तो दोस्तों हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोगों ने आपको बता हमने शायद आपको बता दिया था किसके कौन से भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। अगला जो चैप्टर है प्यारे भाइयों, वो चैप्टर है पद्म पुरस्कार। इस पद्म पुरस्कार को लेकर कितने तरह के कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस किताब में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से देखना है, ये सब हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आप गौर से इसको देखते रहिएगा। यानी ये करंट अफेयर का आपका चौथा सीरीज है, और इस चौथे सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखेगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये पहला पॉइंट आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट व्यक्तियों को वर्ष 2024 को के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। ध्यान रखिएगा, इस लाइन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विशिष्ट व्यक्तियों को किया गया था, एग्जैक्टली सही है कि विशिष्ट व्यक्तियों को किया गया था, लेकिन विशिष्ट व्यक्तियों को ही पुरस्कार दिया जाता है, तो ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आइए, पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर होती है, इट इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ये इंपॉर्टेंट है कि कब होता है प्यारे भाई, तो गणतंत्र दिवस पर होता है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 1954 में यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, यानी 1954 में स्थापित हुआ था। यदि आपको ध्यान हो तो 1954 में ही कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न भी स्थापित हुआ था, जो पहली बार तीन लोगों को दिया गया था, सीवी रमन के साथ साथ और तमाम दो लोगों को दिया गया था, जिसकी चर्चा मैं पिछले क्लासों में कर चुका हूं। इसकी भी स्थापना 1954 में हुआ है, इस लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कब इसकी स्थापना हुआ है। नोबेल और ऑप्शन में, सॉरी नोबेल कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, भारत रत्न और ये दोनों आपके पद्म पुरस्कार, ये दोनों उसमें रह सकता है, ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन में रह सकता है और आप इसको गलती कर सकते हैं। इसलिए आगे देखते हैं उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है। उन सभी विषय गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्ध की पहचान कराता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। यानी मोटे तौर पर यह कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को ही सार्वजनिक सेवा के लिए ही यह दिया जाता है। एक लाइन में ये समझ लीजिएगा, पद्म पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में सर्वोत्तम करने वाले, बेहतर करने वाले लोगों को ही दिया जाता है। ये भी लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान रखिएगा, ये लाइन दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो उसमें 1954 और दूसरे लाइन में सार्वजनिक सेवा को दिए, सार्वजनिक सेवा के लोगों को दिए जाने वाला पुरस्कार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इन श्रेणियों को ध्यान से देख लेते हैं। पहली श्रेणी पद्म विभूषण, इसमें श्रेणियां है, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण है ना, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा पद्म भूषण, उच्च कर्म की विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री, ये पुरस्कार तीन तीन श्रेणियों में दिया जाता है। ये तीनों लोगों को लगता है कि अलग अलग है, बट पद्म पुरस्कार की ही ये सीरीज है, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे वो है ना पद्म विभूषण हो, ये तीनों एक ही पुरस्कार है, लेकिन इसके सीरीज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा ये तीनों पुरस्कार। आगे देखते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक शब्द है इंपॉर्टेंट, सिविल सेवा, इसको ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपसे आपके एग्जाम में सिविल सेवा में दिए जाने वाले सर्वोच्चतम पुरस्कार का भी नाम पूछ दे और आप वहां पे मिस कर जाइए, तो इस लिहाज से ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाता है, इस लिहाज से ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाता है, जरा गौर फरमाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे की लाइनों को हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं आगे भी आपके इस सीरीज को बेहतर करते हुए बढ़ने के लिए। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करता कौन कौन लोग थे, यानी इस बार 2024 में ये पद्म पुरस्कार जो तीन श्रेणियों में दिया जाता है, इसमें किसको किसको मिला है। तो वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने प्यारे दोस्तों, 132, याद कर लेना, ये नंबर एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस साल राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार कितना दिया है, तो 132, 132 याद कर लीजिएगा। आगे इसमें दो युगल मामले में, यानी एक युगल पुरस्कार के एक रूप में गिना जाता है, एक युगल पुरस्कार को एक रूप में, युगल पुरस्कार का मतलब होता है ये दो लोगों को दिया जाता है पुरस्कार, एक ही काउंट होता है क्योंकि इट इज द युगल पुरस्कार, समझ गए, इसलिए इसको युगल पुरस्कार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे इस सूची में पांच, ये लाइन भी पूछा जाता है, पांच पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार होता है। हालांकि ये सीक्वेंस वाइज है, 5, 17, 110, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों याद कर लीजिएगा, और याद कर लीजिएगा 5, 17, 110, 5, 3, 15, 15 में 2 जोड़ दीजिएगा 117, तो 5, 17, 110 याद कर लीजिएगा, और इसका सीरीज याद कर लीजिएगा कौन कौन सा, 5 पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 5, 17, 110, ये महत्वपूर्ण है, तीनों पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में यदि करंट अफेयर का क्वेश्चन टफ बनाएगा तो तीनों एक साथ पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं, पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं हैं, 8 विदेशी व्यक्ति इस श्रेणी में शामिल है तथा 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस है, ये 9 व्यक्ति जो मरणोपरांत दिए गए हैं ये आपसे पूछा जा सकता है,
तो थोड़ा सा सावधानी के साथ इनको याद कर लीजिएगा। पद्म पुरस्कार में कितने मरणोपरांत लोगों को पुरस्कार दिया गया है? 9। दूसरा, 8 विदेशी दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, ये चर्चाओं में रहता है, आप जानते हैं विदेशी एनआरआई है ना, ओसीआई, ये सब आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, कौन कौन लोगों को एनआरआई कहा जाता है, ओसीआई कहा जाता है और विदेशी कहा जाता है, तो 8 ऐसे लोगों को भी पुरस्कार दिया गया है। बाकी 30 महिलाएं हैं, ये महिलाओं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इन तीनों को जरा अपने नोट चाहें तो कर सकते हैं मेजर पॉइंट में, 30 महिलाओं को, 8 विदेशी लोगों को या एनआरआई लोगों को, और 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। तो इसको याद कर लेंगे तो बहुत ही फायदे में रहिएगा। टोटल कितना दिया गया है पुरस्कार? तो 132, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन तीनों डेटों को, यानी तीनों फैक्ट्स को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, अब पेज के दूसरे पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पेज के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ हमने कर लिया है, इस पड़ाव में प्यारे भाइयों क्या है, हमने ये एक डेटा बना रखा है, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन लोग हैं, और पद्म भूषण से सम्मानित कौन कौन से लोग हैं और किस क्षेत्र में दिया गया है। बिंदेश्वरी पाठक बिहार से, इट इज द टू इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको VVI और स्टार मार्क लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिए मैं अभी कह रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण लाइन बिंदेश्वरी पाठक का है, जिसको मरणोपरांत दिया गया है, और ये कहाँ से संबंधित थी, बिहार से, और मजे की बात है कि सामाजिक क्षेत्र से, सामाजिक कार्य से, इलेक्शन भी रिसेंटली है और इनसे प्रश्न पूछने की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है, तो याद कर लीजिएगा। आगे एम वेंकैया नायडू, यहाँ पे माफ कीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति होगा, ये पूर्व उपराष्ट्रपति होगा, आप भी जानते हैं, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा, इनको आंध्र प्रदेश से हैं, सार्वजनिक मामलों में कहिए या जिन मामलों में कहिए, इनका ओहदा भी बहुत ऊंचा है और इनको बहुत ही राजनीति में भी इनकी इनका अलग ही एक जॉनर था, अलग ही लेवल था, तो इनको मिलना ही था, तो पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको भी नवाजा गया है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के हैं और आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। श्री बैजंती माला तमिलनाडु कला के क्षेत्र में, सुश्री पद्म सुब्रमण्यम तमिलनाडु कला के क्षेत्र में, देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, फायदे में। आइए आगे की सीरीज में, मतलब आगे की हम लोग आगे देखते हैं, आगे चलिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट जो जो लाइन है वो हम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि आपने ये किताब ले लिया हो, और किताब ले लिया होगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा इस सेशन को देखना। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है, श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, आपको पता है बिहार के थे और औषधि, यानी औषधि कहिए या यू कहिए, डॉक्टर से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है कह सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए भी, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो बड़ा शानदार हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, श्री तेजस मधुसूदन पटेल गुजरात के हैं और इनको भी मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण मेरे दृष्टि से या एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यही पहला लाइन होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादा मजा आ जाएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे मिथुन चक्रवर्ती साहब को कला क्षेत्र में, आप जानते होंगे इनको, मुझे लगता है कि जानते होंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी तमाम लोग हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने टिक कर दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा, मतलब एग्जाम में मजा आ जाएगा, एग्जाम में अच्छा कर दीजिए दोनों आदमी का, है ना, बिंदेश्वरी पाठक और श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इन दोनों से प्रश्न पूछने की उम्मीद है और आप अपने एग्जाम में इनको देख सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नहीं बल्कि आगे के टॉपिक को, ये तमाम लोगों का नाम है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, जो बिहार के पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा मैंने कर दिया है, और जितने मेजर फैक्ट्स थे, मेन फैक्ट्स थे, मैंने उनको टिक कर दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको देख लिए होंगे। अब अगले पन्ने पे चलते हैं, इस पद्म पुरस्कार की तीन सीरीज मैंने आपको बताया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, टोटल 132 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, 30 महिलाएं हैं, मैंने आपको बताया, 8 विदेशी या एनआरआई लोग हैं और 9 मरणोपरांत लोगों को दिया गया है। ये डेटा आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बिहार से पद्म भूषण पाने वाली श्री बिंदेश्वरी पाठक, है ना, क्या नाम है इनका याद कर लीजिएगा, श्री बिंदेश्वर पाठक, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए। देखिए हम पुरस्कार की दृष्टि से, है ना, कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ साथ बिंदेश्वरी पाठक जी का भी नाम महत्वपूर्ण रहेगा, मरणोपरांत उनको भारत रत्न मिला है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है और दोनों सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, है ना। चलिए आगे, अब नेक्स्ट दूसरे पन्ने में चलते हैं, दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी आपका पद्मश्री है, पुरस्कार ही है,
लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण लाइन है, यदि आप इसको देखेंगे तो ये लाइन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अगले पन्ने में। 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री मैंने बताया कि तीन सीरीज, 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये सबसे मतलब उस सीरीज में सबसे नीचे वाला होता है ना, उस सीरीज में यानी पद्म पुरस्कार में पद्मश्री सबसे नीचे वाला पुरस्कार होता है, जो 110 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए, इसमें खेल क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना के बारे में कितने लोग बताएंगे, मैं इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं, शायद पहली सीरीज में ही मैंने चर्चा किया था खेल वाले में। रोहन बोपन्ना सबसे ज्यादा उम्रदराज के खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए अभी हाल ही फिलहाल कोई मेडल जीत कर लाए हैं। आप कॉमेंट बॉक्स में इस मेडल का नाम जल्दी से बता दीजिए यदि आपको पहला सीरीज याद हो तो। चलिए, हरविंदर सिंह, गौरव खन्ना, उदय विश्वनाथन, विश्वनाथ देश पांडे, सत्येंद्र सिंह लोहिया, पूर्णिमा महतो और जोशन जोशाना चिनप्पा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद्मश्री पाने वालों में बिहार के लोगों का नाम अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइएगा, श्री अशोक कुमार विश्वास बिहार कला, श्री राम कुमार मलिक बिहार कला, श्री सुरेंद्र किशोर बिहार साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, और सुश्री शांति देवी पासवान एवं श्री स्टीवन पासवान जोड़ी बिहार कला, है ना। यानी आर्ट के क्षेत्र में इन तीन लोगों को और साहित्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर को, ये चारों के चारों महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण नाम है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस लिहाज से आप अपने कॉपी पर या अपने किताब में जो बुक को लिए हैं उसमें टिक कर लीजिएगा तो ज्यादा अति महत्वपूर्ण होगा रिविजन के माध्यम से। इसलिए मैंने इसको कंप्लीट मतलब पूरा बता दिया कौन कौन सा आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे के लाइन जो सबसे अति महत्वपूर्ण है, बजट। जिस बजट भी हम आज ही बजट पे चर्चा कर लेते हैं या कहिए तो कल कर लेंगे, जैसा आपका आदेश होगा वैसा, है ना। बजट सोच रहे थे आज ही हम लोग बजट को चर्चा कर ले, बजट की चर्चा आज ही कर लेते तो महत्वपूर्ण होता, या रही रहने दीजिए, बजट का चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, पूरा बजट वाला सेशन ही महत्वपूर्ण रहेगा उसमें, करंट अफेयर में,